नमस्ते दोस्तों, मैं निलेश आपका टेक बड़े निलेश इस चैनल पर दिल से स्वागत करता हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इस वीडियो में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती क्या है, एआई या स्मार्ट क्या होता है, वह सब जानेंगे। आप सब लोग ये तो जानते ही हैं कि हमारे अंदर ह्यूमंस के अंदर इंटेलिजेंस होता है, एनिमल्स जो होते हैं उनके अंदर भी होता है, पशु पक्षी उनके अंदर भी इंटेलिजेंस होता है। वो इंटेलिजेंस लिमिटेड होता है और हम ह्यूमंस के अंदर थोड़ा ज़्यादा या बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस होता है। अब इंटेलिजेंस हम किसको कहते हैं कि कोई अगर कोई बच्चा कोई किसी चीज़ को एकदम से जान लेता है, जल्दी जान लेता है, उसको वो अवगत होती है तो हम उसको होशियार कहते हैं। किसी की डिसीजन मेकिंग माना निर्णय लेने की जो क्षमता है वो अच्छा है, वो राइट निर्णय लेता है तो भी हम उसको होशियार समझते हैं। जिसको ये समझ में आता है कि कहाँ पर कैसे बिहेवियर करना है, किस जगह पर कैसे रहना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कहाँ पर हमारी आदतें हमको चेंज करनी है कहाँ पर नहीं चेंज करनी है, इसको भी हम लोग होशियार कहते हैं। मतलब जिसमें यह क्षमता है उसको भी हम लोग होशियार कहते हैं। कोई व्यक्ति जो होता है वो क्रिटिकल मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी इजीली परफॉर्म करता है, पूरा करता है, तो उसको भी हम लोग उस व्यक्ति को भी हम लोग होशियार कहते हैं, इंटेलिजेंट कहते हैं। किसी के अंदर क्रिएटिविटी होती है, कुछ नई चीज़ें ढूंढना, जैसे गीत लिखना, स्टोरीज लिखना, वीडियोज बनाना, अच्छे अच्छे पिक्चर तैयार करना, ड्राइंग्स करना, इसको भी हम लोग इंटेलिजेंट कहते हैं। और ह्यूमन का जो इंटेलिजेंस होता है उसको हम मापन जो करते उसका उसको कहा जाता है IQ। मतलब हम कहते हैं ना इसका IQ इतना है, उसका IQ इतना है। तो ये जो ह्यूमन का इंटेलिजेंस है, जैसे साइंटिस्ट लोगों ने कंप्यूटर की खोज की और उसका यूज करना चालू कर दिया तो वो लगातार डेवलपमेंट में रहे और उन्होंने कंप्यूटर को ह्यूमन जैसा इंटेलिजेंस बनाने का हर तरह से प्रयत्न किया और वो उसमें कुछ हद तक, मतलब बहुत हद तक वो उसमें सक्सेस भी हो गए, उनको यश भी मिला। और आज हम देखते हैं कि आज की दुनिया में कंप्यूटर ऐसे बहुत सारे ऑपरेशंस करने में सक्षम हो गया है और वो मनुष्य को रिप्लेस भी कर रहा है। हम लोग नेचुरली बने हुए हैं, नेचर के द्वारा हम लोग बने हुए हैं, हमारे अंदर ब्रेन रहता है और भी बहुत सारी चीज़ें रहती है। कंप्यूटर तो नेचुरल नहीं होते हैं, उनको ह्यूमन बनाते हैं, फैक्टरीज में बनाते हैं, जिसको हम लोग कृत्रिम कहते हैं। मतलब ये मशीन है और इस मशीन को जो इंटेलिजेंस साइंटिस्ट लोगों ने दिया है वो नेचुरल इंटेलिजेंस नहीं है, जैसे एनिमल्स में होता है, पशु पक्षियों में भी होता है, प्राणियों में भी जो इंटेलिजेंस होता है भले वो हद तक थोड़ा सा भी हो लेकिन वो नेचुरली इंटेलिजेंस होता है, वैसे मशीनों में नहीं होता है। मशीनों को वो इंटेलिजेंस दिया जाता है, इसीलिए इस इंटेलिजेंस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहा जाता है, जिसके शॉर्ट फॉर्म में AI कहा जाता है। आप सब लोग मोबाइल यूज करते हैं, मोबाइल का कैमरा यूज करते हैं, कैमरा में ब्यूटिफिकेशंस के वहां पर AI कैमरा ऐसा लिखा होता है, मतलब AI लिखा होता है। जब हम AI कैमरा यूज़ करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि हम वास्तविकता में जितने सुंदर हैं उससे बहुत ज़्यादा सुंदर दिखते हैं। उसमें काले हैं तो गोरे दिखते हैं, बूढ़े हैं तो यंग दिखते हैं। तो ये जो कला है, जो चेंजेस होते हैं, यह मशीन के द्वारा चेंजेस होते हैं। मशीन वैसा निर्णय, मतलब मशीन हमारा डेटा इकट्ठा करते कि हम कैसे दिखते हैं,
बॉस के ऊपर प्रोसेस करती है, वो निर्णय लेती है कि इसको ऐसा दिखाना है जैसा हम उसको बताते हैं। फिर वो डेटा के ऊपर प्रोसेस करते हैं, वो हमारा सब मतलब हमारा जो पिक्चर है, जो फोटो है या वीडियो है, वो उसमें वो चेंज कर देती है और हम लोग ज़्यादा अच्छे दिखते हैं, जिसको हम लोग मतलब जिसको मोबाइल कैमरा में ब्यूटिफिकेशन की प्रोसेस कहा जाता है, या दूसरे शब्दों में हम लोग उसे फिल्टर भी कहते हैं। मतलब फिल्टर का भी ऑप्शंस होता है, तो ब्यूटिफिकेशन का भी होता है, फिल्टर का भी ऑप्शंस होता है, जिसके द्वारा AI टेक्नोलॉजी का यूज होता है। जिस डिवाइसेस में जहाँ पर ये AI टेक्नोलॉजी का यूज होता है, उस डिवाइसेस को कहा जाता है स्मार्ट डिवाइसेस। जिस मशीन में AI टेक्नोलॉजी यूज की गई है, उसको कहा जाता है स्मार्ट मशीन। जैसे AI टेक्नोलॉजी के मोबाइल को कहा जाता है स्मार्ट मोबाइल, जी जैसे कि हमारे कार्स होते हैं, जिस कार में AI टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, उसको कहा जाता है स्मार्ट कार। बाद में हम लोग ATM वगैरह इसमें भी कई बार स्मार्ट कार्ड का इस शब्द को सुनते हैं, स्मार्ट रेफ्रिजरेटर, ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस हैं जिसमें ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज की जाती है। तो जिन डिवाइसेस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज किया जाता है, उसको कहा जाता है स्मार्ट डिवाइसेस। तो स्मार्ट डिवाइसेस का मतलब ये होता है कि वो डिवाइसेस कुछ हद तक ह्यूमन जैसे इंटेलिजेंस की क्षमताएं रखती है। स्मार्ट टीवी हो या कोई भी डिवाइस हो, उसमें कम या ज़्यादा प्रमाण में ह्यूमन की इंटेलिजेंस जैसी क्षमता होती है। मतलब मनुष्य जो अपनी बुद्धि को यूज करता है, वैसे उनकी बुद्धि होती है और वो अपनी उस बुद्धि को यूज कर सकते हैं। मनुष्य की बुद्धि के ऊपर तो फिर भी लिमिट्स होता है, वो अपने इंटरेस्ट के अनुसार बुद्धि को यूज कर सकता है। मशीन में वैसा कुछ नहीं होता है, मशीन को जो काम दिया है वो उस काम से संबंधित उस बुद्धिमत्ता को यूज करती है। तो दोस्तों, अभी आपको समझ में आया होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, स्मार्ट डिवाइसेस क्या होते हैं, ह्यूमन इंटेलिजेंस क्या है, स्मार्ट का मीनिंग क्या होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसकी खोज कैसी हुई और उसका विकास या डेवलपमेंट कैसी होगी। तो आप हमारा नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए बिल्कुल ना भूलें, और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।